Welcome back with the exercise 3.3. Question 1. This is the question, you have to prove it. Here it is sine pi by 6, sine square pi by 6, cos square pi by 3 and tan square pi by 4. Now, the power is given as 2. So, hum kya karenge? We have a concept sine. Sine square pi by 6 can also be written like this, sin pi by 6 whole square. इस स्केयर का मतलब है कि इस पूरे साइन पाई बाय सिक्स का स्केयर है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, साइन पाई बाय सिक्स, साइन पाई बाय सिक्स मीन्स साइन 30. साइन 30 वैल्यू इज हाफ, उसका स्केयर. सेम वे हेयर स्केयर एंड टैन स्केयर पाई बाय 4 इज टैन 45, इट्स वैल्यू इज 1, सो 1 स्केयर. नाउ सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. इन सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम कॉन्सेप्ट, साइन स्केयर पाई बाय सिक्स, पुट द वैल्यू. लुक ओवर हियर, कॉसेक स्केयर सेवन पाई बाय सिक्स. तो सेवन पाई बाय सिक्स यू हैव टू कन्वर्ट. ओके, सो इफ यू विल स्प्लिट अप इट विल बिकम एज पाई प्लस पाई बाय सिक्स. अब ये आपका कॉसेक स्केयर 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया. सो 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, एड शुगर टू कॉफी. सो इट विल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉसेक इज नेगेटिव. ओके, सो नेगेटिव माइनस टू, इट विल बिकम माइनस कॉसेक पाई बाय सिक्स. अब उसका जब हम एंड इट सिंस इट्स अ होल स्क्वायर ऑल्सो, माइनस कॉसेक पाई बाय सिक्स होल स्क्वायर विल बी माइनस टू स्क्वायर. सो माइनस टू स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड देन सेम प्रोसीजर यू विल फॉलो इट. थर्ड पार्ट, दिस यू कैन डू इट. कॉट पाई बाय सिक्स, कॉट 30, इट्स होल स्क्वायर. अगेन कॉसेक 5 पाई बाय सिक्स, स्प्लिट अप इट विल बिकम पाई माइनस पाई बाय सिक्स. ओके, सो कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव, सो इट विल बिकम एंड इट इज 180 डिग्री. सो कॉसेक पाई बाय सिक्स इट विल बिकम एंड देन सॉल्व इट यू विल गेट इट. क्वेश्चन 4. इन क्वेश्चन 4 अगेन यू विल स्प्लिट 3 पाई बाय 4. सो इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, दिस यू कैन पुट द वैल्यू एंड दिस ऑल्सो यू कैन. नाउ साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इट विल कम इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो 180 साइन विल रिमेन साइन एंड इट इज पॉजिटिव. सो साइन पाई बाय 4 एंड इट्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट यू विल गेट द आंसर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन 5th. In question 5th, it is written, find the value of sine 75 degree. अब हम 75 degree कैसे निकालेंगे? That we have to learn it over here. 75 degree, you can write it as 90 minus 15 degree also. Okay, then 15 degree कैसे निकालोगे? That will be little bit difficult for you to find out 15 degree. So, what we will do, sine 75 degree ऐसे split up करेंगे कि आपको trigonometric table उसका पता हो. So, how can you split up? This sine 75 degree, we can write it as, what we, you can write it? Tell me, 45 degree plus 30 degree? You can write it. देखो साइन 45 वैल्यू एंड 30 डिग्री वैल्यू यू कैन एबल टू फाइंड आउट. अब सिंस वी हैव स्प्लिट अप इन दिस फॉर्म, नाउ वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी. लेट दिस एज ए एंड दिस एज बी. तो हमारी बेटा एक आइडेंटिटी है, वी विल टेक द आइडेंटिटी साइड बाय साइड. जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे अकॉर्डिंगली वी विल टेक द आइडेंटिटी. साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए
साइन बी. दिस इज द आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और अगर ये माइनस साइन होता, साइन ए माइनस बी होता, देन द आइडेंटिटी विल बिकम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ओके, सो दिस आइडेंटिटी वी विल यूज इट हियर. दिस इज साइन ए प्लस बी, सो यूज दिस आइडेंटिटी. इट विल बिकम, इफ वी विल यूज द आइडेंटिटी, इट विल बिकम साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए, ए मीन्स 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन साइन बी, बी इज 30 डिग्री. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टू गेट द आंसर. ठीक है, सेम वे इन सेकेंड पार्ट हाउ विल यू स्प्लिट अप टू गेट 10, 15. अब वही सेम थिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपके डिग्रीज की टर्म्स, आपको उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यू नो इट, यू शुड नो इट. सो दिस थिंग टैन, हाउ कैन यू राइट इट, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, वी कैन राइट इट 45 डिग्री एंड 30 डिग्री वैल्यू वी कैन फाइंड आउट. अब हियर द आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू यूज इट, अगेन दिस इज ए एंड बी, सो टैन ए माइनस बी आइडेंटिटी इज टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी. दिस इज द आइडेंटिटी, टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी. एंड इफ इट इज टैन ए प्लस बी तो क्या आइडेंटिटी बन जाती, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, मीन्स द साइन विल गेट चेंज. नाउ यूज इट ओवर हियर, सो दिस विल बिकम टैन ए टैन 45 डिग्री माइनस टैन 30 डिग्री अपॉन वन प्लस टैन ए 45 डिग्री मल्टीप्लाई टैन बी दैट इज 30 डिग्री. And now you can substitute the values from the trigonometric table. Clear? So from here we have learned two identities, sin a plus b and sin a minus b. And from here we have learned two more identity, tan a plus b and tan a minus b. Come to this one in question 6. Observe cos a cos b minus, look here, this term and this term is same. The term which is given in the bracket, theta, is same. And same way, pi by 4 minus y, and this is same, so this is b. Okay, now we will use one more identity. Dekhiye, ye kya hai? Cos a, cos b minus sin a, sin b. So, the identity cos A cos B minus sin A sin B. This is equals to cos A plus B. So with this identity हमने एक और identity सीखने की कोशिश की. Same way, if it is cos A minus B, then it will become cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी. ओके, नाउ यूज दिस आइडेंटिटी हियर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब टेक द एलएचएस सिंस वी हैव टू प्रूव इट. ओके, सो इट विल बिकम कॉस ए प्लस बी, सो कॉस ए पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस बी पाई बाय फोर माइनस वाई. नाउ सॉल्व इट फॉर द व्हाट वे इट विल बिकम, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर व्हाट इट विल बिकम, पाई बाय टू. ओके, पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई, टेक माइनस कॉमन.
अब ये देखिए क्या बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा बन गया. कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट इट इज साइन थीटा. सो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो वी हैव गॉट द आरएचएस. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In question 7, you have to prove this part. Look here, this is tan A plus B, and in the denominator it is tan A minus B. So formula, we have to use the identity tan A plus B. Tan A plus B is tan A, tan B, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. And same way we will use the identity in the denominator. Tan A minus B. Tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. This is the identity. Okay. This we already took it in the previous question. Now, tan pi by 4. Tan pi by 4 is 1. Tan 45 degree. So, it is 1. So, you will get 1 plus tan x upon 1. Again, this is 1. 1 minus tan x. Same way here. 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Okay, now shift it on the other side, you will get the result. It will become 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square. And this is equals to RHS. Is it clear? Okay, question 8. In question 8, it is written here cos minus theta. We took it in the previous exercise. Sin minus theta is minus sin theta and cos minus theta is cos theta. So, same concept we will use it over here. So, cos minus x will remain as cos x. Okay. So, cos here in 8th question, cos pi plus x, what it will become? Cos 180 plus theta. 180 plus theta, it will come in the third quadrant. In third quadrant, it will be negative and minus cos x. And this is cos minus theta is cos theta. Okay. Same way, the denominator, if you will look here, sine 180 minus theta. 180 minus theta, it will lie in second quadrant. Sine 180 minus theta. So, it will lie in second quadrant. So, it will remain as same. So, sin x and this cos 90 plus theta. Cos 90 plus theta is minus sin theta. Now, this is equals to, ye cancel ho gaya. Cos square x upon sin square x, or we can write it as cos x upon sin x whole square. So, this is equals to cot square x, which is equals to RHS. Clear? In question 9th, again, cos 3 pi by 2 plus x. 3 pi by 2 means what it should be? 270 degree. So, cos 270 degree plus x, 270 here. So, cos will change into sin. So, sin x, same way here. And you can write this also according to the question. Now, sin x, cos x, tan x, sin x upon cos x, and cot x, cos x upon sin x. Cos x upon sin x. And now take its LCM. So it will become
sin x cos x. Now it in the numerator it will become sin square x plus cos square x upon cos x sin x. Now this is 1 and this term will be cancelled out, so this is equals to 1, which is equals to RHS. Clear? Question 10th. In question 10th, dekho, n plus 1x is same. So, ye a hai and this is also a. Only the degree, only the theta. n plus 2x. So, this is b and this is also b. So, can you judge out which formula we will use it? Dekho, what formula, which formula you will use it? Sin a sin b plus cos a cos b. This is equals to what? Sin cos, this identity is cos a minus b. So this identity you will use it. So from the given question, this is the identity you are going to use it. LHS. Sin A sin B plus cos A cos B is cos A minus B. You have to learn the identities. Okay. So it will become cos A. A is n plus 1 x cos, identity is cos A minus B. So cos A minus B minus n plus 2 x. Okay. ये आ जाएगा. नाउ सॉल्व इट. इट विल बिकम एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस टू एक्स. दिस यू विल गेट इट, कैंसिल इट. सो कॉस माइनस एक्स. सो अगेन कॉस माइनस थीटा. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो इट विल बिकम कॉस एक्स बिकॉज यू कैन राइट इट cos minus theta is cos theta and this is equals to RHS. I hope you can able to do up to question 10th now yourself. Thank you and have a nice day.